पवन साबित हुए राजा बेटा, अपनी माँ के लिए कर दिखाया इतना बड़ा काम। नमस्कार दोस्तों, आपने लॉगिन किया है बॉलीवुड झमेला। एक माँ का तो बस यही सपना होता है कि उसका बेटा पूरी तरह से स्वस्थ रहे, पर जब पवन की तबीयत बिगड़ी और वो कोरोना जैसी महामारी की चपेट में आ गए तो ये बात सुनकर उनकी माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई और दिन में कई कई बार पवन को फ़ोन करके उनकी खैरियत पूछती। पवन ने फिर खुद को क्वारंटीन किया और उनके लिए पूरे भारत ने दुआ करी और आज पवन पूरी तरह से सही होकर आइडल के मंच पर खड़े हैं। पर जब वो अपनी माँ से आइडल के स्टेज पर बात कर रहे थे तो पूरी तरह भावुक हो गए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद पवन की माँ ने उन्हें स्टेज पर देखा था और अपनी माँ के लिए गाना गाते हुए उनका गला इतना भर आया कि वो उस गाने को सही से निभा भी नहीं पाए और बीच में ही लड़खड़ा गए। ये देखकर उनकी माँ थोड़ी परेशान ज़रूर हुई, पर उन्हें उनके बेटे की काबिलियत पर पूरा भरोसा है और यही भरोसा उन्होंने पूरा किया। मनोज जी के लिए टास्क को पूरा करके पवन ने आशीष के साथ मिलकर कुछ मिनट में ही एक गाना कंपोज कर लिया और मनोज जी अब पवन और आशीष को भारत की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी के मालिक भूषण कुमार से मिलवाने वाले हैं और पवन और आशीष का सपना पूरा होने वाला है। और इस बड़े काम से पवन ने उनकी माँ का सपना भी पूरा कर दिया। क्या आप पवन की इस कामयाबी से खुश हैं? अगर हाँ तो आपकी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब नाउ।